नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, धनत्रयोदशी के पावन पर्व की आपको ढेर शुभकामना। मित्रों, धनत्रयोदशी के पावन पर्व की महत्ता क्या है, क्यों ये मनाया जाता है, क्या इस दिन आपको सावधानियां बरतनी चाहिए और अपने घर में धन की बढ़ोतरी के लिए धनत्रयोदशी के पावन पर्व पर आप कौन सा महा उपाय कर सकते हैं, इसी के साथ ही खरीदारी का क्या मुहूर्त होगा, यमदीप आप कब दान करेंगे, कितनी संख्या में करेंगे, तमाम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि धनत्रयोदशी की महत्ता क्या है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस और आयुर्वेद के देव भगवान धन्वंतरी के अवतरण के रूप में मनाया जाता है। धनत्रयोदशी के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा के साथ साथ देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:58 तक ये रहने वाली है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्रों, शुक्रवार के दिन हस्त नक्षत्र होने के कारण तथा सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होने के कारण धन त्रयोदशी का जो पर्व है वो 10 नवंबर 2023 को मनाना ही सर्वश्रेष्ठ मान्य होगा, क्योंकि जो धन त्रयोदशी का पर्व है वो हमेशा प्रदोष काल में ही मनाया जाता है और त्रयोदशी तिथि पूर्ण रूप से हमें 10 तारीख यानी कि 10 नवंबर 2023 को शाम में प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में 10 तारीख इस तिथि के लिए सर्वोत्तम होगा। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर यमदीप जलाना श्रेष्ठ होगा। ऐसा करने से शारीरिक कष्टों की समाप्ति के साथ ही अकाल मृत्यु का जो डर है वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। मित्रों, धन त्रयोदशी के दिन विशिष्ट तौर पर खरीदारी की जाती है ताकि संपूर्ण वर्ष धन की आपके घर में बढ़ोतरी रहे, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे और कुबेर देव की भी कृपा बरसती रहे। तो ऐसे में इस धन त्रयोदशी पर खरीदारी का समय क्या है उसे आप नोट करें। 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार दोपहर 12:35 से 1:35 के मध्य ये समय है, आप इसे नोट कर लीजिए। शाम 4:21 से 5:43 तक का समय भी बहुत अच्छा है और शाम 8:30 से रात 10:34 तक आप कोई सोने का आभूषण, तांबे की कोई वस्तु, पीतल का कोई बर्तन खरीद सकते हैं। इस समय खरीदारी करना सर्वोत्तम माना जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे करनी है धन त्रयोदशी की पूजा अर्चना ताकि आप मालामाल हो जाएं, संपूर्ण वर्ष आपके घर में धन बढ़ता रहे। देखिए, धन त्रयोदशी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में, क्योंकि त्रयोदशी तिथि प्रदोष व्यापनी हो वो सर्वोत्तम है। ऐसे में भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर के चित्र या यंत्र को भगवान धन्वंतरी की फोटो या यंत्र के साथ अपने घर की उत्तर दिशा में आप एक पीले रंग का कपड़ा या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर स्थापित करिए। भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी आदि जितने भी जो विग्रह आपने स्थापित किए हैं उन्हें पंचामृत का छींटा दीजिए या पंचामृत से स्नान करा दीजिए। फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर शुद्ध केसर में गंगा जल मिलाकर आप इन्हें तिलक करेंगे। भगवान कुबेर और धन्वंतरी के सामने गाय के घी का एक दीपक जलाना है। रोली मोली चावल धूप दीप, हो सके तो मौसमी फल आप वहां पर जरूर रखिएगा और विशेष तौर पर भगवान कुबेर को सफेद रंग की मिठाई और भगवान धन्वंतरी को पीले रंग की मिठाई आप अर्पित कर दीजिए। अब 13 की संख्या में, क्योंकि भाई त्रयोदशी तिथि है अर्थात 13, तो 13 की संख्या में साबुत बताशे, मिश्री और थोड़ा सा खील और साथ ही मौसमी फल आप इन्हें अर्पित करिए। स्फटिक की माला मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा, वरना आप कमलगट्टे की माला भी ले सकते हैं। एक विशिष्ट मंत्र है, उसे आप नोट करें, ओम ह्रीम कुबेराय नमः, और धन्वंतरी जी का ध्यान करके ओम वासुदेवाय विद्महे सुदाहस्ताय धीमहि तन्नो धन्वंतरी प्रचोदयात। इन मंत्रों का 108 बार आपको जाप करना है। जाप के बाद
सारी सामग्री किसी जरूरतमंद व्यक्ति या महिला को आप दान कर दीजिए और भगवान कुबेर के यंत्र को अपने धन रखने वाले स्थान पर आप स्थापित कर दीजिए। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और भगवान कुबेर से अपने घर में धन धान्य की प्रार्थना जरूर करिए। भगवान धन्वंतरी की फोटो को आप अपने घर के पूजन स्थल में स्थापित करिए। प्रतिदिन उनके सामने धूप दीप प्रज्वलित करिए। संपूर्ण वर्ष आपको निरोगी काया प्राप्त होगी, बीमारियां धीरे धीरे खत्म होंगी और कहीं ना कहीं आपके रोग समाप्त हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि धनतेरस पर कैसे करनी है आपको खरीदारी, कहीं आपको गलती ना कर बैठिएगा। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के समय आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे। आपने बहुत जगह ये चित्र देखा भी होगा। तो भाई इसीलिए इस दिन विशिष्ट रूप से धातु के बर्तनों की खरीदारी करना, आभूषण खरीदारी करना या कोई भी मेटल से संबंधित वस्तु खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी के चांदी के विग्रह को इस दिन आप अपने घर में लेकर आइए, मार्केट जाकर परचेज कर लीजिए। ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी और कहीं ना कहीं उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। ऐसा भी माना जाता है मित्रों कि इस दिन सोना चांदी या कोई शुभ धातु का बर्तन खरीदने से 13 गुने की संख्या में आपके यहां वृद्धि होती है, यानी आपकी जो इनकम है वो 13 गुना तक बढ़ सकती है। विशेष तौर पर अपने व्यापार में वृद्धि के लिए शुभ धातु जैसे चांदी का एक दीपक आप खरीद लीजिए और अपने व्यापारिक स्थल पर आप इसे रख दीजिए। ऐसा करने से भी आपके व्यापार में आशातीत लाभ होगा। कारोबार से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, वो अगर चाहें, अगर उनकी ऐसी कोई व्यवस्था है तो इस दिन बही खाता उन्हें जरूर खरीदना चाहिए, अगर वो लेजर यानी कि बही खाता लिखते हैं तो। परिवार के सभी लोगों की अच्छी सेहत के लिए आपको एक चांदी या पीतल की थाली, एक चम्मच और कटोरी खरीदिए। इन्हीं बर्तनों में, इन्हीं वस्तुओं के अंदर आप प्रतिदिन खाना परोसिए। ऐसा करने से आपको शुभता भी मिलेगी और आपका शरीर निरोगी रहेगा। घर में सुख शांति की वृद्धि के लिए मधुर ध्वनि की आप एक घंटी खरीदिए। ऐसा करने से आपकी घर की नकारात्मकता खत्म होगी।